प्रदेश के सीधी जिला में आदिवासी युवक के साथ भाजपा विधायक प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला के द्वारा किए गए दुष्कृत के मामले में सियासत जारी है। जहां एक और घटना के बाद शिवराज सरकार डैमेज कंट्रोल में जुटी है, वहीं इसी कड़ी में जगह जगह पर कांग्रेस पार्टी और आदिवासी समाज के नेताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। इसी तारतम्य में आज आदिवासी ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस की अगुवाई में स्थानीय तहसील कार्यालय में प्रभारी तहसीलदार डी विस्के को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया और विरोध प्रदर्शन कर भाजपा नेता प्रवेश शुक्ला के विरुद्ध कठोर से कठोर दंडात्मक कार्यवाही करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग भी की गई। सेगावा से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। किस बात से लेकर ज्ञापन देना है? गत दिनों सिद्धि जिले में भाजपा विधायक के प्रतिनिधि द्वारा एक आदेश युवक के ऊपर मूत्र विसर्जन करके घोर अपराधिक कार्य किया गया है, उसकी हम कांग्रेस पार्टी निंदा करते हैं और राष्ट्रपति से जो ज्ञापन दिया गया हम मांग करते हैं कि जो आदेशों पर प्रदेश में अत्याचार है ऐसे सरकार को नैतिक आधार पर इस्तीफा देने चाहिए। क्या नाम लिखते हैं? राजेश मोदी अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।